नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। काफी मददगार साबित हो रही बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार किट योजना। सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किया नया आदेश। उत्तर बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनों के समय में हो सकता है बदलाव। लोगों के बीच पहुंचे पवन सिंह ने कही ये बात। आईपीएल 2024 में संजू सैमसन ने लगाई छलांग। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। काफी मददगार साबित हो रही बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार किट योजना। श्रम संसाधन विभाग द्वारा बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार किट की योजना चलाई जा रही है। ये योजना बेरोजगारों के लिए काफी मददगार देखने को मिल रही है। विभाग द्वारा इस योजना को चलाने का उद्देश्य है कि संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त युवा खुद का रोजी रोजगार करे। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद इस योजना पर काम और तेज कर दिया जाएगा। बता दें कि पिछले वित्तीय वर्ष में विभाग ने इस योजना को शुरू किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद इस योजना का काम धीमा पड़ गया। लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही इस योजना के तहत अधिक से अधिक बेरोजगारों को स्वरोजगार किट देने की बात सामने आई है। सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किया नया आदेश। एक बार फिर से सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर और शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने नया टास्क दिया है। इस टास्क के तहत स्कूलों के शिक्षकों को कहा गया है कि वे अपने पोषक क्षेत्र में सुबह 8 बजे तक भ्रमण करेंगे और बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करेंगे। फिर स्कूल में मिशन दक्ष के साथ ही अन्य विशेष कक्षाओं का संचालन भी होगा। साथ ही शिक्षा विभाग में बच्चों के मिड डे मील का समय 10:05 पर कर दिया गया है। मालूम हो कि शिक्षा विभाग के आदेश के बाद सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों के बीच विशेष कक्षाएं सुबह 8 बजे से 10 बजे तक संचालित हो रही हैं। विशेष कक्षाओं के संचालन के बाद ही मध्यान्ह भोजन परोसने का आदेश है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में कई बड़े खुलासे। बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में उज्जैन से आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। अब इन आरोपितों के से आर्थिक अपराध इकाई की टीम पूछताछ में लगी हुई है। आज पूछताछ के बाद इन्हें जेल भेजने की बात सामने आई है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक कांड में गिरफ्तार आरोपियों के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। मीडिया खबरों के द्वारा ये भी पता चला है कि ईओयू सूत्रों के अनुसार नालंदा के नगर नौसा का रहने वाला शिव कुमार और पटना के खगौल का रहने वाला शुभम अंतर्राज्यीय प्रश्न पत्र लीक गिरोह के सदस्य हैं। उत्तर बिहार से गुजरने वाले कई ट्रेनों के समय में हो सकता है बदलाव। जो ट्रेनें उत्तर बिहार से गुजरती हैं उनमें कई ट्रेनें की टाइमिंग बदलने की बात सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक 1 जुलाई से रेलवे बोर्ड द्वारा ट्रेनों की नई टाइमिंग जारी की जाएगी। फिलहाल ट्रेनों के समय के आकलन में रेलवे बोर्ड के साथ जोनल और मंडल स्तरीय अधिकारी जुटे हुए हैं। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक हाजीपुर मुजफ्फरपुर जंक्शन से खुलने और गुजरने वाली करीब 2 दर्जन ट्रेनों के समय सारणी में बदलाव की संभावना जताई गई है। इन ट्रेनों में सप्त क्रांति, वैशाली सुपरफास्ट, बाघ एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति, क्लोन जैसे कई ट्रेन शामिल हैं। लोगों के बीच पहुंचे पवन सिंह ने कही ये बात। भोजपुरी फिल्मों के स्टार पवन सिंह काराकार से निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चुनाव को लेकर वो लगातार लोगों से अपना संपर्क साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब इसी बीच वे लोकसभा क्षेत्र के संझौली प्रखंड में गए थे, जहां उन्होंने कई लोगों से आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 32 साल से गाना गा रहा हूं, 20 साल से भी ज़्यादा समय से फिल्मों में काम कर रहा हूं। ये सब मुझे आप लोगों के कारण मिला है। आज जहां भी हूं, आप लोगों के कारण ही हूं। अब बारी मेरी है कि मैं आप लोगों को लौटाऊं, जिसके लिए आप सबका आशीर्वाद जरूरी है। आगे उन्होंने कहा कि आज जो भी लोग जिस तरह से उत्साह के साथ मेरे साथ खड़े हैं, मैं चाहता हूं कि वोटिंग के दौरान भी यही उत्साह मेरे साथ दिखाएं। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने परीक्षा को लेकर जारी किया यह आदेश। परीक्षा फॉर्म भरने को लेकर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय काफी सख्त नजर आ रहा है। दरअसल पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि 75% से कम उपस्थिति वाले बच्चों को फॉर्म भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बता दें कि राजभवन के आदेश के बाद क्लास में बच्चों की उपस्थिति बढ़े, इसलिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। इस निर्देश के बाद फॉर्म ऑनलाइन भरने के बजाय कॉलेज से भरे जा रहे हैं। इसके लिए सभी कॉलेजों को विश्वविद्यालय की तरफ से लॉगिन लिंक दिए जाएंगे। अब बच्चों की 75% उपस्थिति सुनिश्चित करना कॉलेजों की जिम्मेदारी होगी। डॉक्टर्स डिवाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 120 मरीजों को मिला लाभ। आज 28 अप्रैल 2024 को डॉक्टर्स डिवाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल जहां छात्रों के लिए निःशुल्क ओपीडी परामर्श और गर्भवती महिलाओं के लिए 9 महीने तक निःशुल्क ओपीडी परामर्श उपलब्ध है। वहां निःशुल्क स्वास्थ्य और जाँच चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। बता दें कि यह अस्पताल नवीन नगर नवादा में है। कैंप में ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन व गर्भवती महिलाओं के लिए 9 महीने तक निःशुल्क ओपीडी परामर्श की सुविधा समेत और भी कई अन्य सुविधा दी गई हैं।
कार्यक्रम में 120 लाभुकों का उपचार किया गया है। इन सभी सुविधाओं को उपलब्ध करवाने वाले डॉक्टर्स में डॉक्टर रणविजय भारती और डॉक्टर रितु वर्मा है। आप उपचार संबंधित किसी भी जानकारी के लिए 7004337991 या 8797303540 पर संपर्क कर सकते हैं। जदयू के संजय झा ने तेजस्वी को लेकर दिया बयान। राज्यसभा सांसद और जदयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार झा का तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि बिहार की जनता ऐसे चुनाव के बाद तेजस्वी यादव को परमानेंट डिप्रेशन में डाल देगी। आगे उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव से क्या आशा करते हैं, वे तो यही भाषा बोलेंगे। उनको पता है कि ऐसे चुनाव के बाद उनको बिहार की जनता परमानेंट डिप्रेशन में डाल देगी। ऐसे चुनाव के बाद उनको पता चल जाएगा कि डिप्रेशन में कौन जा रहा है और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। लालू यादव ने पीएम मोदी को बताई नैतिकता। चल रहे लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में लगी हैं। अब इसी बीच लालू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जो प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक मूल्य, लोकलाज, मर्यादा और पद की गरिमा त्याग कर तथा संविधान को दरकिनार करके स्वयं जनता के बीच झूठ, भ्रम और नफरत फैला समाज से न्याय, सौहार्द, बराबरी और भाईचारे को समाप्त कर देश एवं समुदायों में विघटन व विभाजन पैदा करने पर उतारू हो, ऐसे व्यक्ति को एक क्षण भी पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। आगे लालू यादव ने कहा कि हमारे महान देश एवं न्यायप्रिय समाज में ना कभी ऐसे विभाजनकारी सोच को बर्दाश्त किया है और ना ही करेगा। ये गांधी, फूले, कलाम, आंबेडकर, लोहिया, जेपी और कर्पूरी का देश है। कुर्सी के लिए इस महान देश एवं बाबा साहेब के संविधान की बलि चढ़ाने की मंशा रखने वाले ऐसे लोगों को जनता इस चुनाव में कड़ा सबक सिखाएगी। तीसरे और चौथे चरण के चुनाव प्रचार के लिए इस दिन बिहार आएंगे अमित शाह। बिहार में दो चरणों के चुनाव अब समाप्त हो चुके हैं। अब इसी राजनीतिक दल तीसरे चरण के चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। बिहार में अभी तक हुए दो चरणों के चुनाव में एनडीए ने अपने कई बड़े स्टार प्रचारकों को बिहार बुलाया है। अब आगे होने वाले चुनाव के प्रचार प्रसार को लेकर गृह मंत्री अमित शाह झंझारपुर और बेगूसराय में 29 अप्रैल को सभा करने वाले हैं। आपको बता दें कि तीसरे चरण में झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुर और खगड़िया में चुनाव होने वाले हैं। तीसरे चरण के चुनाव के लिए 5 मई तक प्रचार प्रसार चलेगा। वहीं 7 मई को मतदान है। वहीं चौथे चरण का चुनाव दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में हो। चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार 11 मई तक होना है और मतदान की तारीख 13 मई है। विपक्ष को लेकर चिराग पासवान का बड़ा बयान। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चिराग पासवान हाजीपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जनता विपक्ष को कतई स्वीकार नहीं करेगी। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, घुमा फिराकर सिर्फ संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। यही डर दिखाकर 2015 में भी पूरा चुनाव इन लोगों ने इसी पर निकाल दिया। आरक्षण खत्म हो जाएगा और संविधान समाप्त होने के बाद विपक्ष बोल रहा है। आगे उन्होंने कहा कि ऐसे संविधान की वजह से 3 बार नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बने और अब 3री बार देश के पीएम बनने जा रहे हैं। वहीं चाचा को लेकर उन्होंने कहा कि हमने उनको हर कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, नहीं आने का फैसला उन्हीं का है। मैं तो छोटा हूँ, मेरा तो फर्ज बनता है, बाकी का फैसला उन्हीं का होगा। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। चल रही लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी के दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक लेटर के जरिए उन्होंने लिखा है कि ये पत्र मैं बहुत भारी दिल से लिख रहा हूँ। मैं पार्टी में खुद को एकदम लाचार महसूस करता हूँ, इसलिए अब दिल्ली के अध्यक्ष पद पर बना नहीं रह सकता। आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के लिए लिया गया सभी सर्वसम्मत फैसलों पर एक तरफा दिल्ली के प्रभारी रोक लगा देते हैं। जब से दिल्ली का पार्टी चीफ बनाया गया है, तब से मुझे किसी को भी सीनियर पद पर नियुक्त करने की अनुमति नहीं है। जदयू के पंचायत अध्यक्ष घर घर जाकर नीतीश सरकार की बताएंगे उपलब्धियां। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से कार्यकर्ता 18 साल के कामों को और बिहार में हासिल किए गए उपलब्धियों को जाकर घर घर बताएंगे। आपको बता दें कि लोकसभा क्षेत्र के जदयू पंचायत अध्यक्षों से नीतीश कुमार ने सीधा संवाद किया था। संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में हर क्षेत्र और हर वर्गों तक विकास पहुंचा है। वे बिहार में 18 साल के विकास गाथा को घर घर जाकर बताएं। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री जदयू दफ्तर पहुंचे थे। यहां उन्होंने कहा कि हमने समाज के लिए, सभी तबकों के लिए काम किया है। जाने एसी चलाने के दौरान पंखे चलाने से रूम ज्यादा ठंडा होता है या नहीं।
बिहार में गर्मियों ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। लोग गर्मी से परेशान हैं। ऐसे में गर्मी से राहत पाने के लिए जमकर एसी और पंखा का उपयोग किया जा रहा है। एसी पंखा की तुलना में महंगा विकल्प होता है, साथ ही इसके इस्तेमाल से बिजली बिल भी अधिक आता है। कई लोगों का मानना है कि एसी और पंखे को एक साथ चलाने से कमरा जल्दी ठंडा हो जाता है। मालूम हो कि एसी चलाने से कमरे की ठंडक बनी रहती है, वहीं लंबे समय तक इसके उपयोग से बिल अधिक आता है। लेकिन इसे पंखे के साथ चलाने पर दोनों की हवा मिल जाती है और पूरे कमरे में एसी की हवा फैल जाती है। ऐसा करने पर बिल भी कम आता है। आईपीएल 2024 में संजू सैमसन ने लगाई छलांग। ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस में लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2024 के 44वें मुकाबले के बाद जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि एलएसजी के खिलाफ कप्तान संजू सैमसन ने 71 रनों की मैच जिताने वाली पारी खेली है। इसके बाद अब संजू सैमसन आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे पायदान पर आ गए हैं। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल इस मैच में 76 रनों की पारी खेलने के बाद तीसरे पायदान पर अपनी जगह बना चुके हैं। बता दें कि इस रेस में विराट कोहली टॉप पर है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत पासवान, नवन कुमार, दिलीप शाह, रंजीत मिश्रा, मोहम्मद साकिर हुसैन, गौतम कुमार, राजेश मांझी, उमा शंकर प्रसाद, विजेंद्र कुमार सिंह, जितेंद्र ठाकुर, सादुल्ला पालवे, मुटू रंगीला, राजेश मिश्रा, आयुष रैना, राजेश मांझी, विनीता देवी। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आईपीएल 2024 में आपके मुताबिक ऑरेंज कैप के हकदार कौन हो सकते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।